चाचा। इस वीडियो में दिखाई गई सीख मनोरंजन के लिए है, तो आप माय बाप से अनुरोध है कि कृपया इसे अपने निजी जीवन में और अपने व्यापार में उपयोग ना करें, वरना ऐ लग जाएंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर का सीजन 2 अब आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कालीन भैया से जो हमें व्यापार करने की जो सीख मिल रही है उसे आप तक भी पहुंचा जाए, मतलब ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर भगवान है और भगवान रहेगा, ये बात कालीन भैया को पता थी, लेकिन थोड़े अलग वे में बताती, मतलब कस्टमर रहेगा, समझ रहे हो, मिर्जापुर तो देखा ही होगा आपने। सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा कि कालीन भैया के गाड़ी के सामने उनका एक कस्टमर आ जाता है और वो कस्टमर कहता है कि आपका जो ये कट्टा है वो हमारे दुश्मनों को मारने की बजाय वो तो हमारे ही गांड फाड़ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। तभी कालीन भैया ने वो किया जो हर एक सच्चा व्यापारी करता है, क्या किया, इंस्टेंट रिप्लेसमेंट, उन्होंने उसको कट्टा बदल के दे दिया। तब मुझे थोड़ा लगा कि कालीन भैया तो यार सच्चे व्यापारी है, लेकिन उसके चंद पलों में ही तो बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कालीन भैया ने तो उस कस्टमर की दूसरे हाथ की भी गांड मार ली, मतलब सांप भी मर गया बिना लाठी के। ये है हमारे कालीन भैया। कालीन भैया अपने एम्प्लॉयज को अपना परिवार समझते हैं, समझ रहे हो, परिवार। आपने देखा होगा कि गुड्डू भैया ने मोन्ना की फाड़ दी थी, तो सुविधा का लेके कालीन भैया ही तो आए थे, वरना तो मुन्ना ने कर लिया था अपना काम तमाम, लेकिन कालीन भैया है समझदार, उन्होंने बगावत होने ही नहीं दी, बबलू और गुड्डू को अपने साथ काम पे रख लिया और उनको अपने साथ खाने के लिए भी बैठा दिया, उनसे उनकी वफादारी और भी बढ़ गई। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कालीन भैया का शातिर दिमाग, व्यापारी का दिमाग और एक बाप का फर्ज। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें देखने को मिलता है कि कालीन भैया थोड़े नर्वस रहते हैं, क्यों, अपने मिर्जापुर की कुर्सी को लेकर, क्योंकि रतिशंकर साला बड़वा उधर कुर्सी के लिए अपनी आंखें और अपना कुल्ला उधर जमा के लिए बैठा रहा था। तब कालीन भैया ने वो किया जो हर एक सच्चा व्यापारी करता है, गधे को बाप बनाया, मतलब अगर आपको मिर्जापुर चाहिए तो मंत्री संतरी को प्रसाद बांटना पड़ेगा और खुद को पुजारी बनके उनकी आरती भी उतारनी पड़ेगी और उनको प्रसाद में समोसे के साथ चटनी और उनकी भी पड़ेगी। बस यही बात तो जेपी यादव ने उनको समझाई थी कि एक हाथ से पैसा दे और एक हाथ से कुर्सी ले, सही तो कह रहा है वो, मतलब ये तो हम आपके कौन जैसी फीलिंग आ रही है। कालीन भैया के जीवन में सिर्फ इतनी ही समस्या नहीं थी, कालीन भैया अपने लोंडे को लेकर भी बड़े परेशान थे, फिर चाहे मुन्ना, तुम्हारा लड़का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। अगर मुन्ना जैसा लोंडा हो तो नैया तो डूबनी ही है, मतलब मुन्ना को देखकर मुझे एक बंदे की याद आती है जिसने अपने बाप के पैसे को बड़े अच्छे तरीके से भिगो भिगो के डुबाया था, लेकिन उस बंदे ने एक काम सबसे बेस्ट किया था, चाइना से लोन लेके, मतलब उस भगवान के बंदे के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। खैर सीरीज में आपको गोलियों और गालियों के साथ रोमांस का भी अच्छे से आपको थाली में परोस के दिया गया है, लेकिन अब मुन्ना को हो रही है जलन गुड्डू भैया से, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार कर रहा है उसका लफड़ा ऑलरेडी गुड्डू भैया से चल रहा है। तब सही टाइम देखकर ही कालीन भैया ने भी मिर्जापुर का कंट्रोल मुन्ना को दे दिया, लेकिन अभी भी बच्चा बड़ा नहीं हुआ था, उसने कर दी गलती, उसने मार दिया स्वीटी और बबलू को। अब आएगा मजा, मिर्जापुर अब जलेगा बदले की आग में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज परंपरा के अनुसार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज कर देना है, बहुत यार कितनी बार कहना पड़ता है, कर देना यार। और नेक्स्ट वीडियो तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living.